बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब बन कर तैयार हुई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपके मानने वाले कश्ती में सवार हो गए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि शैतान भी कश्ती के एक कोने में बैठा है। आपने पूछा कि इबलीस क्या बात है? इसने कहा कि आज अल्लाह ताला का गज़ब इतना बड़ा है कि इससे कोई भी बच नहीं सकता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए इबलीस, क्या अभी भी तू अल्लाह ताला से डरने वाला नहीं बना? तो शैतान ने कहा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें कि मैं तौबा करने के लिए तैयार हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वही नाजिल हुई कि हम इसकी तौबा कबूल करने के लिए तैयार हैं, पहले वो हमारी शर्त पूरी करे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा कि ए इबलीस, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है कि हमारी कश्ती में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ताबूत रखा हुआ है, तू इस ताबूत को सजदा कर ले, अल्लाह ताला तेरी तौबा कबूल फरमा लेंगे। शैतान हंस कर कहने लगा, ए नूह, जब आदम अलैहिस्सलाम जिंदा थे इस वक्त मैंने सजदा नहीं किया, अब इनका इंतकाल हो गया है और एक ताबूत में रखे हुए हैं, अब मैं कैसे सजदा कर सकता हूँ। शैतान के दिल में ये बात बैठ गई थी कि मैं बड़ा हूँ और आदम छोटा है, इनसे हजारों साल बड़ा हूँ। ताकत में भी और इलम में भी शैतान के अंदर हसद, गुरूर और तकबर पैदा हो गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भला वो सजदा कैसे कर सकता था, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको तौबा की तौफीक नहीं दी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज फरमाए और पाक साफ और सुथरा करके इस दुनिया से अपने पास बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन।